हम लोगों के आमंत्रण पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस ब्रजभूमि में बरसाना की होली में शामिल होने के लिए आए हैं। उनके साथ हरियाणा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी भी आए हैं और साथ ही साथ इस ब्रज क्षेत्र के हमारे सभी पूज्य संतगण अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए हैं और इस क्षेत्र के कलाकार भी रंगोत्सव के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको रंगोत्सव का इस पर्व पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं ही आप सब के प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण का जन्म और उनकी लीला इस ब्रज क्षेत्र में संपन्न हुई, लेकिन यह सच है इन्होंने गीता का अमर संदेश हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिया था। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का समन्वय हो, एक साथ मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से आज का यह रंगोत्सव का कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रातःकालीन सत्र में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी चर्चा हुई थी इस क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं के बारे में, और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसे कार्यों में, जैसे ब्रज क्षेत्र में 84 कोस की परिक्रमा के बारे में, हरियाणा के अंदर जो क्षेत्र पड़ता है उसके विकास के बारे में, हसनपुर में यमुना नदी पर बनने वाले पुल के बारे में अपनी सहमति दी है और हम सब मिलकर के 84 कोस के उस पुल के निर्माण में उत्तर प्रदेश और हरियाणा मिलकर के सहयोग करके इस पूरी यात्रा को सकुशल संपन्न करने में हम लोग अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश मिलकर के इस ब्रज भूमि को कुरुक्षेत्र के साथ जोड़ने के लिए भी एक सर्किट के निर्माण के बारे में भी एक कार्य योजना पर कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का लीला भूमि यह है, लेकिन गीता का अमर संदेश का भूमि कोई है तो वह कुरुक्षेत्र की भूमि है, जहां पर युद्ध भूमि धर्म भूमि में बदलती हुई दिखाई देती है। यह सामर्थ्य कहीं है तो यह ब्रज भूमि में ही है, यहीं के पैदा हुए भगवान कृष्ण में ही यह सामर्थ्य है कि वह युद्ध भूमि को धर्म भूमि में बदलने की क्षमता रखते हैं। और इस अवसर पर मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि भाइयों बहनों, यहां के महत्व के बारे में मैं कहूं कोई और कहे, मुझे लगता है कि यहां पे तो कण कण में लोग वृंदावन बिहारी लाल को देखते हैं, राधा रानी को देखते हैं, उनका वास यहां के हरेक चराचर जगत की हरेक वस्तु में देखने को मिलता है, वह भाव देखने को मिलता है। और इसलिए मुझे रसकान की वे पंक्तियां याद आती हैं कि मानुष हो तो वही रसकान, बसों ब्रज गोकुल गांवों के ग्वालन। और मुझे लगता है यह ब्रज भूमि उसका उदाहरण है, जहां के एक एक कण में कृष्ण का वास देख करके एक रसकान भी कह उड़ता है कि मैं जैसे भी रहूं लेकिन इस ब्रज भूमि से मेरा संबंध कभी विच्छेद न हो। और आप सौभाग्यशाली हैं कि ब्रज भूमि में पैदा होने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ आप सबको इस ब्रज भूमि के रंगोत्सव के साथ जुड़ने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ये कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा मिलकर के जो कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान का ही हिस्सा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जहां सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को जोड़ सकें, हम लोगों का प्रयास है कि अगली बार, क्योंकि मुझे पहली बार इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर मिला, अगली बार मेरा प्रयास होगा कि पूर्वोत्तर के राज्यों को हम लोग ब्रज के इस होली के साथ, बरसाना की होली के साथ जोड़ सकेंगे, क्योंकि वहां के लोग
बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण की लीला के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और उनका ये मानना है कि भगवान कृष्ण रुक्मणी को मणिपुर से लेकर के आए थे। अरुणाचल के लोगों का मानना है कि अरुणाचल से ही भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर के आए थे। एक जो परंपरा सांस्कृतिक संबंधों की बनी है, इसको मजबूती प्रदान करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के का एक हिस्सा हम लोगों का एक कार्यक्रम है। मैं आज के दिन पर बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, मैं केवल आप सबको, आप लोगों ने हजारों वर्षों से रंगोत्सव के इस कार्यक्रम को अपने साथ जोड़ करके रखा है। ये हमारी विरासत है, ये हमारी परंपरा है। 5000 वर्षों से पुरानी इस विरासत को आपने जिस धरोहर के रूप में सजो करके रखा है, आप सबको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए आज आपके बीच आई है, आपसे कहने के लिए कि ब्रजभूमि की होली अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान की होली बनेगी। हर वर्ष देश का कोई एक राज्य और दुनिया का कोई एक देश इस होली के साथ सहभागी बनेगा, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। और अपने प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के ही आज मैं आपके बीच आया हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में हम इसको एक प्रतिष्ठा दिलाएं और उस रूप में हम इसको लेकर के चलें। और इसी से हम लोगों ने, आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन्हें जब देश के अंदर कृष्णा सर्किट की बात की, भगवान कृष्ण जिन जिन क्षेत्रों से गए थे उसको जोड़ने की दृष्टि, न केवल सांस्कृतिक दृष्टि अपितु भौतिक विकास की दृष्टि भी हम लोग उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथ ही साथ हम लोगों ने इस बार दुर्ग तीर्थ विकास परिषद का गठन करके इस क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने का कार्य किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस बार बजट में हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था केवल क्षेत्र के विकास के लिए किया है। आपकी सोहली को, ब्रज को तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए बार बार श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, कारिंदा सिंह जी, पूरण प्रकाश जी, हेमा मालिनी जी एक ही बात को कहते थे कि वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, राधाकुंड, गोवर्धन, नंदगांव, ये सभी तीर्थ के रूप में विकसित होने चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि हमारी सरकार इन सबको तीर्थ घोषित कर रही है। तीर्थ के रूप में हम इसका विकास करेंगे, 84 कोस के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे। 100 करोड़ रुपए इस बजट में हमने दिया है, 100 करोड़ रुपए सीएसआर फंड से अतिरिक्त व्यवस्था हम लोग इस विकास के लिए किए हैं। और विकास के लिए इस क्षेत्र में कभी भी पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इस दृष्टि आज आपके साथ उत्तर प्रदेश और भावनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ है। और इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबसे कहना चाहता हूं कि यहां पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं रमेश बाबा की गौशाला में गौशाला दर्शन करने के लिए गया था। मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी भी थे और हम लोगों ने देखा 50,000 गोवंश। वास्तव में देखता हूं जब ब्रज क्षेत्र को तो इसकी पहचान गोपालन में ही है। भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल है, इसलिए पालन का कार्य इस वृद्धभूमि में होता रहा है। और आज मैंने देखा एक साथ 50,000 गोवंश को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। उन्होंने आधुनिक गोबर गैस संयंत्र के माध्यम से तमाम प्रकार की औषधियां किस रूप से मिलती हैं, किस रूप से बन सकती हैं, उन सब की प्रयोगशाला को भी यहां हमें दिखाया है। और मैं आह्वान करूंगा गौशाला भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। अपने ब्रज क्षेत्र के महत्व को बनाए रखना है तो गोपालन घर घर में करने की एक प्रवृत्ति हमें डालनी पड़ेगी। गौशालाओं को जिस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं आपके इस कार्य के लिए। रमेश बाबा और इन पूज्य संतों को जिन्होंने अपने अपने आश्रमों में गौशाला का निर्माण किया है, इन सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार
गो संरक्षण और संवर्धन के लिए भरपूर सहयोग आप सबको करेगी। और अंत में मैं कहना चाहूंगा ब्रज के इन कलाकारों को, इन कलाकारों ने विपरीत परिस्थितियों में ब्रज के इस सांस्कृतिक परिवेश को बचाए रखा है। आज प्रातः काल मुझे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। पता नहीं लोग क्यों जाने में डरते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर। कितना ऊर्जा का केंद्र है, कितनी ऊर्जा मिलती है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में, उनकी लीला भूमि में। और आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, आपको देख करके मुझे और भी प्रसन्नता की अनुभूति हुई। लेकिन मैं इन कलाकारों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जो आज यहां पर अपनी कला के जादू को बिखेरने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन सभी कलाकारों का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। और मैं यहां के माननीय विधायक और अपने संस्कृति मंत्री, जिन्होंने बड़े तन्मयता के साथ पर्यटन मंत्री जी के साथ मिलकर के, प्रमुख सचिव पर्यटन के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को एक नई और नई दिशा के साथ बढ़ाने का प्रयास किया है। और इस अवसर पर उनकी इच्छा है कि छाता की चीनी मिल के बारे में और यहां की डेयरी के बारे में भी कुछ कार्य योजना बने। हम लोगों ने डेयरी के लिए पैसे की व्यवस्था कर दी है और छाता के चीनी मिल के बारे में भी हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं। आप चिंता की आवश्यकता नहीं, प्रदेश में आपकी सरकार है, मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान और तीर्थों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। यह सरकार आपके हितों को हर संभव संरक्षण देगी। इस विश्वास के साथ रंगोत्सव 2018 के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बरसाना की इस ऐतिहासिक होली को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जा सके, इसके लिए आप सबके सहयोग की आकांक्षा रखते हुए, अपेक्षा रखते हुए आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम सब मिलकर के इस आयोजन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आप सबसे मैं कहता हूं कि आप सब मेरे साथ एक बार फिर बोलेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज ब्रज की होली में आपके सानिध्य, आशीर्वाद और मंगल कामनाओं के भी रंग मिल गए जो पूरी दुनिया को रंगीन करेंगे। होली का महोत्सव जो पूरे एक महीने चलता है, इसमें मंदिरों की विशेष सजा की जाती है और राधा कृष्ण स्वरूप और साथ ही जल साधी का कार्य होता है, उनके विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे पहले मंदिरों में की गई पुष्प सज्जा के लिए पुरस्कार, प्रथम स्थान श्री लाडली की मंदिर समिति दर्शाना, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा पुरस्कृत करेंगे। द्वितीय स्थान श्री संकेत बिहारी मंदिर समिति दर्शाना, तृतीय स्थान श्री सुदामा कुटी समिति दर्शाना, चतुर्थ स्थान की जयपुर समिति और पंचम स्थान की राम मंदिर समिति सांगली को, इसके अलावा राधा कृष्ण स्वरूप प्रतियोगिता की विजेता स्वामी चंद्र जानकी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त ग्राम हजार रुपए, वाणी जिला
बहुत ही बहुत ही मेरा ईमानदारी है जिन्होंने आज